तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा वायरल मैथ्स का प्रॉब्लम लाया हूँ कि जिसके दो आंसर आ सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप जो व्हाइट बोर्ड पर जो प्रॉब्लम देख रहे हो इसके आप दो यानी कि दो सेपरेट मेथड से दो आंसर निकाल सकते हो, और उसमें से सही आंसर कौन सा है। हाँ फ्रेंड्स देखो, सबसे पहली मेथड, मेथड नंबर वन, सबसे पहले मेथड से हम यह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देन हम मेथड सेकंड से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आप देखना दो आंसर आएंगे, अलग अलग दो आंसर आएंगे, और हमें बाद में मालूम करना है कि सही आंसर कौन सा है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड नंबर वन की। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रॉब्लम है, 9 / 3 (2+1), ये हमारा जनरल प्रॉब्लम है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का उपयोग करेंगे और उसके हिसाब से हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2+1 यानी कि 3, और यह ब्रैकेट हमारा ओके, और यह 3 एज इट इज, यह डिवाइड डिवाइड का साइन भी एज इट इज रहेगा और यह 9 भी एज इट इज रहेगा। यह हो गया हमारे स्टेप वन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और आपको दिख रहा है कि ब्रैकेट और दिख रहा है, बोर्ड मास के हिसाब से हम अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हमें फिर से यह ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, 3 * 3 ओके, यह ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे और ये डिवाइडेड का साइन एज इट इज और यह 9 भी एज इट इज रहेंगे। और अब इसका आंसर देखो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। कितना आंसर आया, 1। यह हो गई हमारी मेथड नंबर वन। अब हम देखते हैं कि हम सेकंड मेथड से यही प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, 9 / 3 (2+1 ओके, अब देखो बोर्ड मास के हिसाब से 2+1 ओके, यानी कि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो 2+1 कितने हो गए, 3 ओके, और यह ब्रैकेट एज इट इज रहेगा और ये 3 भी एज इट इज रहेंगे, ये डिवाइड का साइन भी और यह 9 भी एज इट इज रहेंगे। ये हो गए हमारे स्टेप वन। हम देखते हैं स्टेप टू कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ब्रैकेट, और इनडायरेक्ट हम ब्रैकेट को क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन ओके। यहाँ पर इनडायरेक्ट हम इसे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 9 / 3 (3) इस टाइप भी हम इस स्टेप को लिख सकते हैं ओके। इसका जो मीनिंग है वो ब्रैकेट ही होता है, और ब्रैकेट का मीनिंग इनटू का साइन ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास यहाँ पर हम लगाएंगे स्टेप को, तो 9 / 3 (3) ओके। सबसे पहले डिवीजन आता है तो हमें सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करना होगा। सो 9 / 3 क्या आएगा, 3, और यह मल्टीप्लीकेशन का साइन एज इट इज और यह 3, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 9। तो देखो यहाँ पर आपको आंसर कितना आ गया, 1, और इस स्टेप में आंसर कितना आ गया, 9 ओके। इसको हमने अलग मेथड से सॉल्व किया, इसको हमने अलग मेथड से सॉल्व किया। अब बात आती है कि सही मेथड कौन से। हाँ फ्रेंड्स, यह मेथड सही है कि यह मेथड सही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेथड हमारी, यह जो मेथड सेकंड से हमने जो आंसर निकाला है यह आंसर सही है, यानी कि 9 / 3 (2+1) के आंसर 9 आता है। आप चाहे तो कैलकुलेट का यूज करके आप इसके आंसर निकालो, 9 ही आएगा। अब यह 9 क्यों आएगा, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसे विस्तार से। तो हम देखते हैं स्टेप से, पहली स्टेप हमने कैसे लिखी। देखो दोस्तों, बोर्ड मास का हमने उपयोग किया, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, 2+1 (3) ओके। क्यों ब्रैकेट सॉल्व किया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ ऑपरेशन हमको दिया गया है, यानी कि 2+1 दिए गए हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट सॉल्व किया ओके। अब हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट हम ब्रैकेट को हम मल्टीप्लीकेशन लिख सकते, कब लिखेंगे, जब हमें यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं दिया गया है ओके। यहाँ पर ऑपरेशन दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई ऑपरेशन दिया गया है क्या, 3 * 1 या 3+1 ऐसा दिया गया है क्या, कुछ भी नहीं दिया। इसलिए हमने क्या किया, यह जो ब्रैकेट है वह हमने हटा के इनडायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दी, और हमने फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिविजन सॉल्व की एंड देन हमने मल्टीप्लीकेशन सॉल्व की, यानी कि 9 / 3 पहले हमने सॉल्व किया, दैट इज 3, और देन हमने 3 * 3 यानी कि 9 यह सॉल्व किया।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर 9 ही आंसर क्यों करेक्ट है। तो दोस्तों आप अपने मैथ्स कौन सा इंजीनियर जो टीचर है उसे आप इस क्वेश्चन का आंसर भी पूछ सकते हैं कि आखिर 1 ही इसका आंसर क्यों नहीं है या तो फिर 9 ही क्यों है। ओके, आपका जो सुझाव है हमें कमेंट में जरूर लिखेगा और इसी तरह मैथ्स के नए नए टॉपिक देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कोई मैथ्स की ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।